सारी बाणा नायक तारीख हो गई। आज आज कितनी तारीख है? 3 सोच रही थी। और आज यू मेरे कड़ला रखा पकड़े से मैं की दिख है। और ये बम जान लाग रही बाजार में प्रतिभा फोटो तरवा करी ना वे ले काऊंगे ठाके हमने तरवाई ना वे पहला तरवाया करते भी उसी ड्रेस सी वे पैर पैर आज ज्यादा लाग गए आज जर सीना पैर का है रिव्यू या बनी सीधी बाल चाल करती या ना जेड़ दे तने आज बाजा देख ले दफा कश्मीरी शॉल देख ले प्रतिभा प्रतिभा एक मिनट रुक जा इसने ऐसे कर ले ऐसे ही खरीदो कश्मीरी शॉल जम्मू आ रहे तो ये बढ़िया हमारा सिस्टम उधर है वो भी खाइयो अगर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ये चादर किस रेट में है सिंगल की है ये डबल बेड की है सारी सिंगल बेड की इसमें की है डबल की ये लो भी साथ में है नहीं जी नहीं वो बेड की तो कंबल है एसी ब्लैंकेट है 550 का नहीं इसमें तो रोटी बिल्कुल उनका शाल है जितनी देर मर्जी चलाओ 10 साल भी चलाओगे ऐसे कैसा रहेगा तेरी कर दी छोटी कर दी 40 की एक ये मूर्ति भी खरीद लो तू तो ये बालू ले ले बबी तू तो ये बालू ले ले देखियो बांध लिए पैक करके दे देंगे ये स्केल है और ये नहीं लग तो इसके अंदर ये अंदर दे दियो ले तो जा रही हो सोनू हां अच्छा वो है तो मैं कहूं थी सही दे रखा है इनने ना ना रे महंगे दे में और हां कितने का दे क्या 600 का है था तुम भी तैयार हम साइड आ जाओ जहाँ कस्टमर आ रहा है ना
वो देखो आगे आगे पहुंचा। हाँ ये ले चल, बस में बैठे बैठे बजाए जावांगे। फिर आज करो बालक आवे है ना भाई ट्रैवलर आगे लहंगा ले चल आड़े तेनू कर दू लहंगा ले चल। ये देखो बे माता वैष्णो का जो मंदिर और एक का पहाड़ों काल का रात का व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा। हम बाहर टहलने लाग रहे थे रात ने तो उड़े तो हमने यह क्लिप ली थी, बहुत ही कैमरे में इतना अच्छा लग रहा था, इतना बाहर तो और भी बढ़िया लग गया था। तो रात हो गई थी अड़े, फिर मखा चलो अगले दिन सुबह, क्योंकि रात को सोए भी नहीं से थोड़े बहुत लेटे थे, क्योंकि फिर रात ने हम चल पड़े थे उड़े थे जम्मू थे। रात के टाइम में उड़े थे आते ही माता के मंदिर माँ के भवन में काते, फिर हम चल पड़े थे अमृतसर की ओर। अमृतसर पहुँच गए थे हम यार गोल्डन टेंपल में, गुरुद्वारा देखा हमने यार और एक दो चीज़ है जो वो देखी। तो मैंने यार थोड़ी वो इस म्यूट कर दी क्योंकि शोर बहुत घना हो रहा था और कुछ यहाँ पे वो म्यूज़िक भी चलने लग रहा था, तो मैंने यार म्यूज़िक ऑन ऑफ कर दिया था। तो भाई मैं पिछले साल भी गई थी अमृतसर, तो मैं चली गई थी एक बार, पर मैं वैष्णो देवी नहीं गई थी तो इसलिए करके मैं पहला गई। कल एक दो कमेंट भी आए थे कि भी फैमिली हस्बैंड बच्चे भाई देखो बच्चे छोटे नहीं से मारे जाते, जो हमारे साथ में जा रही थी वो भी बहुत परेशान हो रही थी, और भी लक्षिता के पापा ने देखो हमारे वैसा का काम तो नहीं लागता इतना टाइम, क्योंकि वो मेरा वो ब्याह था पहला आंड लिए बेबे कई जगह घूमे आए थे वो ब्याह था पहला, और ब्याह पीछे भी गए थे अकेले गए थे वो भी, क्योंकि भी फैमिली में देखो इतना वो नहीं होता क्योंकि पीछे घर संभालनी है भी चाहिए, कभी वॉकिंग ना जाऊँ तो भी मन बच्चे और घर का भी देखना पड़ा है, और जाकर कभी ये दोनों का हमारा पॉसिबल नहीं होता। इनका तो भाई इतना हो तड़के चले जाए तो शाम ने दारा के टाइम पर इन्हें घर आना पड़ा है भाई, जिनका जो काम जिम्मे लाग जाए उसने बेर आवे की इतनी जिम्मेवारी बढ़ जावे है ना। और भाई देखो वैसे बोलते हुए घर तो दो तीन दिन बच्चे बाहर रखने बहुत मुश्किल हो जावे हैं, क्योंकि हमें इतनी ऊंची चढ़ाई हो गई थी कि हम जो बड़े जा रहे थे जो सब जा रहे थे सबके पैरों में दर्द और सूजन हो गई थी क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई थी, क्योंकि हम रेगुलर रोज चलते को ना कहीं घने घने दिन में इतना वो कर रहे हैं भाई ऊँचाई चढ़ाई का, क्योंकि घूमते फिरते रहो ना ज़्यादा भाई रनिंग वगैरह करते रहो सुबह सुबह दौड़ तो उस चीज़ का फ़र्क रह जावे है, तो हम घने घने दिन में इतने चल रहा तो भी पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये देखो भाई जो माता जिसने बुलावा है उससे कहो हमने बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि भी शादी तो पहले सब ये बोलते हैं कि भी कोई ना हांडन दिन तक कि भी अपने ब्याह पीछे हांड लियो अपने ब्याह पीछे जाइयो नू करियो जिम्मेदारियाँ मेरा लियो आदमी शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी हो जाए, पर अभी जो कि क्योंकि लक्षिता के पापा बोल दे मैं कि भाई देखो मैं तो गया था उड़े देख कर हरिद्वार भी मनाली भी कई जगह ये जा रहे हैं, मैं नहीं गई हूँ और भी दोनों का जान का मारा नहीं वो होता तो भाई मन ने देखो भेज दे मैं है ये वो हो जाए, दोनों ने टाइम लग गया ना मैं जाऊँ ना तो भी कोई दिक्कत ना मानते हमारा परिवार इस चीज़ में, और मेरे बच्चे रुक जावे हैं। ना
अभी आप आड़े एक छोटी सी चीज़ या देखो, आड़े इतनी भीड़ है, एक आदमी ना तो नून जा सकता ना नून जा सकता, दोनों के अंदर बड़ी बड़ी लाइन और इतनी भीड़ है कि आदमी का जी भी दुखी हो जाए तो वापस लकड़न की भी जगह नहीं है। तो इस टाइम में नू देखो हम अपने बच्चे ने कित ले कर जावा, बच्चे इतनी भीड़ में रुकना प्यास भी लगेगी, पैर भी दर्द करेंगे, बैठने की भी कहेगा, तो बाहर किसके भरोसे छोड़ा अपने बच्चे ने। ये देखो भी घर का और आदमी हो, बड़ा कोई और भी हो, तो साथ में वो चीज़ हो जाएगी भी अपने बच्चे उसके सहारा हम छोड़ कर बैठा सकें कि या किसी के सहारे छोड़ सके, तो बाहर जाए पीछे कोई जिम्मेवारी नहीं लेता भाई, अपनी जिम्मेवारी खुद रखनी पड़े हर चीज़ की और अपने बच्चे की सब क्या है कि। हाँ बच्चा का देखो जब है जब भी थोड़े बराबर के हो रहे हो भी हार जा थक जा तो भी अगले ने परेशान ना करें, ऐसे में मानो हम चढ़ने लग जाए रास्ते में, बोले मम्मी पैर दुख लगे तो भी इतने हैं ये, ना तो गोदी में लेकर जा सकते और ना ऊपर उतरने का आदर रहता आदमी, ना नीचे जान कर रहता, अकेले घोड़े पर नहीं बैठा सकते, अकेले उसमें नहीं बैठा सकते। और देखो भी घोड़े का तो ये है, वो जो खच्चर यात्रा जो कर रहे थे वो तो बिल्कुल वाहियात लोग थे, क्योंकि भी देखो इससे बढ़िया अपने ना उड़न खटोले में कर लो या उस पर हेलीकॉप्टर पर कर लो, क्योंकि वो भी जानवर हैं बेचारे, उनका भी देखो कितना पाप लागता होगा ना। क्योंकि बाहर जाए पीछे हमारे जिसे इतने परेशान हो जाए कि नान की जगह पावना डंगते, बच्चा भाई बच्चा किसी चीज ने अपने कुछ लाग जाए, बाथरूम आ जाए है कुछ और प्यास लग जाए, तो बड़ा आदमी कंट्रोल कर सके कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम हिसाब जब भी बस नहीं भी रुके बच्चे ने इमरजेंसी है कुछ, क्योंकि बड़ा ना बड़े बहुत परेशान हो ले हैं मैंने, क्योंकि भाई सब भैया इरादे की भी छोटे बच्चा ने मत लेकर जाइए, हम भी सब नहीं आए कहर भाई, और भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो भी देखो हम भी जाएंगे, वो खुद भी जा सके हैं और टूर पे भेज सके हैं।